नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सीएम ग्रिड की पहली सड़क का शिलान्यास, बगिया क्रॉसिंग से केसा तक की बनेगी सड़क, 1100 मीटर सड़क 11 करोड़ रुपए से बनेगी। कानपुर की पहली सीएम ग्रिड का सड़क का शिलान्यास मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडे ने किया। बगिया क्रॉसिंग से केसा चौराहा तक की सड़क का निर्माण सीएम ग्रिड के तहत किया जाएगा। 1100 मीटर लंबाई में सड़क का निर्माण 11 करोड़ रुपए से किया जाएगा। महापौर ने भूमि पूजन किया। महापौर बोली, मील का पत्थर साबित होगी सड़क। महापौर ने उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम ग्रिड की ये सड़कें कानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। महापौर ने कहा कि सीएम ग्रिड की सड़कों में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने दी जाएगी। ये पहली बार होगा जब शहर के अंदर हाईवे की तरफ सड़कों का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास के मौके पर कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार, क्षेत्रीय पार्षद कौशल किशोर मिश्रा मौजूद रहे। सीएम ग्रिड के तहत रोड की ये होंगी विशेषताएं, सुरक्षित सड़क और जंक्शन, समान चौड़ाई, ट्रैफिक लेन की व्यवस्था, भूमिगत सर्विस की सुविधा, टिकाऊ तकनीकी का उपयोग, सार्वजनिक स्थान व स्ट्रीट फर्नीचर की सुविधा, ग्रीन कवर किया जाएगा, ग्रीन सड़क पर यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट आदि। कानपुर में पहले ही 5 सड़कों का चयन सीएम ग्रिड योजना के तहत 5 सड़कों का चयन पहले भी किया जा चुका है। अब कुल 10 सड़कें सीएम ग्रिड योजना के तहत कानपुर में बनाई जाएंगी। पहले जिन 5 सड़कों का चयन किया गया था उनके टेंडर भी नगर निगम ने जारी कर दिए हैं। जल्द ही इन सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें अतिक्रमण बड़ी बाधा बन रहा है, इसे भी नगर निगम जल्द गिराएगा। आधुनिक तरीके से होगा सड़कों का निर्माण, सुरक्षित सड़क और जंक्शन, समान चौड़ाई, ट्रैफिक लेन की व्यवस्था, भूमिगत सर्विस की सुविधा, टिकाऊ तकनीकी का उपयोग, सार्वजनिक स्थान व स्ट्रीट फर्नीचर की सुविधा, ग्रीन कवर, ग्रीन सड़क पर यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी। यह सड़कें स्मार्ट तकनीकी से लैस होंगी, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर भविष्य में सड़क खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ की मदद से समस्या को दूर कर दिया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।